हेलो एवरीवन, टुडे इज़ चैलेंज डे 9 और आज का चैलेंज है 10 मिनट्स ऑफ आउटडोर वॉक। ये बहुत ही सिंपल सा चैलेंज है। आप लेजर वॉक कर सकते हैं, लंच या डिनर के बाद आप वॉकिंग कर सकते हैं। इससे डाइजेशन भी आपका इम्प्रूव होगा और आप कहीं जा रहे हैं तो 10 मिनट्स वॉक करते हुए भी जा सकते हैं। मतलब चैलेंज तो ये बहुत सिंपल है और इसके बेनिफिट्स इनॉर्मस है। जैसे कि इससे आपका हार्ट हेल्दियर रहता है, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल लो होता है और इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इससे आपका ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव होता है, आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। इनफैक्ट रिसर्चर्स से ऐसा एस्टेब्लिश्ड है कि इससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है और आपको नींद भी जल्दी आती है। तो इससे 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि नींद अच्छे से ना होने के वजह से ही बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। और ये भी प्रूवन है कि इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एंग्जाइटी रिड्यूस होती है और डिप्रेशन भी कम होता है। ऐसा कहा जाता है कि 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट से जितना आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एंग्जाइटी रिड्यूस होगी, उतना सिर्फ 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग से आपकी एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिड्यूस होगा। तो ऐसे में तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये कैलोरीज तो बर्न करता ही है और आपके जो बॉडी के पेन है वो भी इससे कम होते हैं। कैसे? क्योंकि जो मसल्स होते हैं या लिगामेंट्स होते हैं या टेंडन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये ओवर यूज से ज़्यादा पेन नहीं होते जितने ये अंडर यूज से पेन होते हैं। तो ये कम काम में आने के वजह से, मतलब मसल्स या लिगामेंट्स या टेंडन्स का कम काम हो रहा है, इसकी वजह से पेन होता है। तो जब हम वॉक करेंगे तो हमारे बॉडी का मूवमेंट होगा और इससे हमारा पेन रिड्यूस होगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हो गए इसके, किसके? सिर्फ 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग के। सिर्फ 10 मिनट वॉक करना है आपको, ऐसे ही कर सकते हैं आप कहीं भी 10 मिनट वॉक, और नेचर में करेंगे तो और ज़्यादा काम फील करेंगे और बेनिफिट्स इतने सारे। तो आपको आज तो ये चैलेंज करना ही है और अगर आप रोज़ ये कर पाएँ तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले चैलेंज में। बाय बाय।